रियलिटी शो बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी को काफी पसंद किया जा रहा है। सलमान खान वीकेंड के वार में मुनव्वर फारूकी की काफी तारीफ करते हैं तो सोशल मीडिया पर अक्सर उनका नाम ट्रेंड होता रहता है। इस वीकेंड के वार में एकदम उल्टा हुआ और बिग बॉस 17 के इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी की जमकर क्लास लगाई, जिसके बाद सलमान खान मुनव्वर फारूकी के फैंस के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर सलमान खान को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्विटर पर मुनव्वर का नाम तक ट्रेंड कर रहा है। दरअसल बिग बॉस 17 के इस वीकेंड के बारे में सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी को ठंडा का टैग दिया। सलमान खान ने कहा कि अगर वह इस घर से चले भी जाते हैं तो गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, सलमान खान ने बताया कि मुनव्वर फारूकी अपनी बातों को सीधा न बोलकर दूसरे के जरिए रखना पसंद करते हैं। सलमान खान का ये तरीका मुनव्वर फारूकी के फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया। इस वजह से कॉमेडियन के फैंस सलमान को ट्रोल करने लगे। ट्विटर पर लोग सलमान खान को खरी खोटी सुना रहे हैं। सलमान खान के खिलाफ और मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में वी वॉच बिग बॉस 17 फॉर मुनव्वर ट्रेंड हो रहा है। मुनव्वर के फैंस ने सलमान खान को अनफेयर का टैग दिया है। एक ने कहा वी वॉच बिग बॉस 17 फॉर मुनव्वर, वहीं एक ने लिखा आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या, फुटेज भी मुनव्वर के नाम पे ले रहे हो। अबे जब बिग बॉस में ही कोई टास्क या कुछ करने को नहीं दिया तो मुनव्वर इतना क्या दिखाए। और इसके अलावा उसने अभी तक बाकी सारे टास्क जीते और हमेशा अपना पॉइंट रखा है। वी वॉच बिग बॉस 17 फॉर मुनव्वर, वहीं एक ने लिखा वनली एंड वनली किंग वी वॉच बिग बॉस 17 फॉर मुनव्वर। बता दें कि बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी की एंट्री ने ही फैंस को एक्साइटेड कर दिया था। हर किसी को लग रहा था कि मुनव्वर घर में आकर हंगामा खड़ा कर देंगे, वह कंटेस्टेंट पर भारी पड़ेंगे, लेकिन शो में मुनव्वर भाईचारा निभाकर अपनी गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुनव्वर फारूकी का इस शो में अब तक कोई दुश्मन नहीं है, हर कंटेस्टेंट को उन्होंने कहीं न कहीं अपना दोस्त बनाकर रखा है, इसलिए सलमान खान की फटकार के बाद शायद वह खेल में खुल सकते हैं। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।